आप देख सकते हैं ये मोबाइल सिंगल कैमरा है, रेडमी का फ़ोन है और काफ़ी बेहतर लुक है। इसकी प्राइस की बात की जाए तो 7,999 रुपये प्राइस है। इसमें एंड्रॉयड 9 पाई है। प्रोसेसर की बात किया जाए तो स्नैपड्रैगन 439 है। रैम की बात की जाए तो 2 GB रैम है और बैटरी इसमें 5000 mAh का है। अब हम आपको क्लियर सभी चीज़ बता देते हैं। ये मोबाइल लॉन्च हुआ था 29 सितंबर को 2019 में। ऑफिशियल ब्रांड Xiaomi है, MI कंपनी, रेडमी 8A। और आपको इसमें डबल सिम का सिस्टम है। हाइट की बात करें तो 126 mm, वेथ की बात करें तो 75 mm, वेल्थ की बात करें तो इसका जो वज़न है वो 188 ग्राम है। कलर ब्लैक है और प्लास्टिक बोल्ड मटेरियल और क्रॉप सुपर प्रूफ वाटर प्रूफ है, तो फुल प्रूफ है, पानी से तो बच सकता है। स्क्रीन साइज की बात की जाए तो 6+2.2 inches है और इसका पिक्सल डिक्शनरी की बात की जाए तो इसमें 270 PPI है। डायमेंट ये क्या है, डिस्प्ले टाइप तो IPS LCD है। गोरिल्ला ग्लास V5 लगा हुआ है। चिपसेट की बात की जाए तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 है। बीट की बात करें तो 64 है। एंड्रॉयड 505 है। रैम 2 GB रैम है, 32 GB इंटरनल मेमोरी है और 512 एक्सटर्नल मेमोरी लगा सकते हैं और USB 21 GB तक लगा सकते हैं। कैमरा की बात की जाए तो सिंगल कैमरा है, प्राइमरी में 12 MP का और फेशियल एक्सप्रेस की बात करें तो F8 है। LED फ्लैश है। इसका फ्रंट कैमरा 8 MP का सिंगल कैमरा है और 5000 mAh की बैटरी है। ली पॉलीमर फास्ट चार्जिंग 18 W का है। 4G SIM 2G SIM सभी चल जाएगा। इसकी बात की जाए तो वाईफाई डिफरेंट मोबाइल हॉटस्पॉट और ब्लूटूथ का जो है वो V4.2 है जो कि 2019 के हिसाब से ठीक है। विथ ग्लास है वो भी ठीक है और ऑडियो जैक है इसमें, FM रेडियो भी है इसमें। आपको जो भी चीज़ चाहिए मोबाइल में है और इसकी प्राइस रेंज की बात तो मैंने पहले ही बता दिया था कि इसकी प्राइस बहुत कम है। MI ब्रांड के हिसाब से 9,299 रुपया। तो अगर आपको मोबाइल पसंद हो तो ज़रूर ले सकते हैं। इसकी हम कुछ और भी दिखा देते हैं आपको कि इसका लुक कैसा दिख रहा है। इंटरनेट स्लो होने की वजह से आपको सही से नहीं दिख पा रहा है, 2 मिनट वेट कीजिए। ये इसका फ्रंट एंगल है, ये इसका बैक एंगल है, इसका साइड एंगल है और ये इसका लेफ्ट राइट एंगल है और ये आपको नीचे का एंगल है। ये नीचे का ऊपर कहा था, सॉरी। आप देख सकते हैं मोबाइल काफ़ी ग्रिपिंग के साथ अच्छी पकड़ के और ये मोबाइल बहुत ही बेहतर दिख रहा है।